सिटी हलचल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त को कोटद्वार मंडी समिति के अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में व्यवधान करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। कोटद्वार नगर निगम किशन सिंह नेगी सुबह मंडी समिति के अंदर अवैध रूप से पॉलीथिन का प्रयोग करने की सूचना पर पहुंचे। कोटद्वार आयुक्त से भाजपा ने पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं मंडी समिति कोटद्वार के अध्यक्ष ने गाली गलौज की, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में चल रहा है। कोटद्वार नगर निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ कोटद्वार मंडी समिति में व्यापारी सब्जी व फल में प्रतिबद्ध पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। अवैध रूप से पॉलीथिन का प्रयोग करने को जब्त करने गए कोटद्वार आयुक्त को व्यापारियों व मंडी समिति के अध्यक्ष की विरोध झेलना पड़ा। नगर आयुक्त कोटद्वार को मंडी समिति विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त से जब उक्त विषय में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मंडी समिति के अध्यक्ष ने पहले तो मंडी समिति का गेट बंद कर दिया और थोड़ी सी नोकझोंक हुई। सरकारी हमारे अंदर घुसा, हमारे पास पत्र कैसे घुसाएगा अंदर? भला नहीं हो रहा तुम्हारा है? अरे क्या नाम है? घर में मिट्टी आज इनकी माँ चो सहयोग किया सर मंडी से, इस पर पुलिस कमीशन लगना चाहिए। मैं मंडी परिषद के अंदर आया था, जो हमारे कोटद्वार में है। मैंने सभी लोगों को आगाह करने के लिए आया था कि पॉलीथीन का प्रयोग कतई ना करें। तभी हमारे मंडी परिषद के चेयरमैन साहब श्री कोटनाला जी आए थे, तो कोटनाला जी से हमारी हल्की फुल्की बहसबाजी हो गई थी। फिर इन्होंने गेट बंद कर दिया था। फिर उसके बाद कोटनाला जी ने कहा फिर गेट खोल दीजिए, गेट खोल दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। पुलिस तो भाई, पुलिस का तो चोली दामन का साथ रहता है। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इसमें तो पुलिस तो आम बात है। ये तो